अमृतपाल सिंह बनाम अमृतपाल ड्राइवर दुबई वाले, तुम कौन हो, कहां से आए हो, ये तो भारत सरकार की एजेंसियां पता लगाएगी। वैसे लड़ाई और प्यार बराबर वालों में होता है, मैं तेरे बराबर नहीं हूँ। तुम किसी विदेशी एजेंसी के भारत के विरुद्ध नापाक षड्यंत्र करने वाली एजेंसी के हो सकता है, शायद हो भी, एजेंट हो भारत में अशांति फैलाने के लिए। मैं हिंदुस्तान की एक देशभक्त नागरिक, तुझे एक ही बात कहनी है, रोज रोज झूठ बोलते हो, कूड़ निखुटे नानका उड़क सच सही, सच्चे का बोलबाला झूठे का मुंह काला। जो तुम बोलते हो मेरे लिए या किसी और के लिए, एक दिन मेरे पास आ जाओ, पूरा आदर मान मिलेगा जैसे अतिथि का होता है। सब भीड़ छोड़ के मैं भी अकेली आऊंगी, सिर्फ मीडिया वालों को बुलाऊंगी। अगर तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगे तो मैं तुझे विद्वान मान लूंगी, जो बोलते हो सच मान लूंगी। अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सके पंजाब के बारे में, तो तुझे बैक टू पवेलियन, वहीं दुबई जाना होगा। ट्रक चलाओ या दुकानदारी करो या उन एजेंसियों के लिए काम करो, फिर तुम्हें पंजाब में देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। हिम्मत है तो आज ही उत्तर दो, जगह तय करो, हमारे अमृतसर में आओ, अमृतसर ही स्वागत होगा जैसे घर में आए अतिथि का होता है। सोच लो, उत्तर दो, नहीं तो झूठ बोलना बंद करो, ज्यादा दिन झूठ नहीं चलने वाला है। अमृतपाल सिंह हो या नहीं, अमृतपाल, जय श्री राम। अमृतपाल सिंह बनाम अमृतपाल ड्राइवर दुबई वाले, तुम कौन हो, कहां से आए हो, ये तो भारत सरकार की एजेंसियां पता लगाएगी। वैसे लड़ाई और प्यार बराबर वालों में होता है, मैं तेरे बराबर नहीं हूँ। तुम किसी विदेशी एजेंसी के भारत के विरुद्ध नापाक षड्यंत्र करने वाली एजेंसी के हो सकता है, शायद हो भी, एजेंट हो भारत में अशांति फैलाने के लिए। मैं हिंदुस्तान की एक देशभक्त नागरिक, तुझे एक ही बात कहनी है, रोज रोज झूठ बोलते हो, कूड़ निखुटे नानका उड़क सच सही, सच्चे का बोलबाला झूठे का मुंह काला। जो तुम बोलते हो मेरे लिए या किसी और के लिए, एक दिन मेरे पास आ जाओ, पूरा आदर मान मिलेगा जैसे अतिथि का होता है। सब भीड़ छोड़ के मैं भी अकेली आऊंगी, सिर्फ मीडिया वालों को बुलाऊंगी। अगर तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगे तो मैं तुझे विद्वान मान लूंगी, जो बोलते हो सच मान लूंगी। अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सके पंजाब के बारे में, तो तुझे बैक टू पवेलियन, वहीं दुबई जाना होगा। ट्रक चलाओ या दुकानदारी करो या उन एजेंसियों के लिए काम करो, फिर तुम्हें पंजाब में देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। हिम्मत है तो आज ही उत्तर दो, जगह तय करो, हमारे अमृतसर में आओ, अमृतसर ही स्वागत होगा जैसे घर में आए अतिथि का होता है। सोच लो, उत्तर दो, नहीं तो झूठ बोलना बंद करो, ज्यादा दिन झूठ नहीं चलने वाला है। अमृतपाल सिंह हो या नहीं, अमृतपाल, जय श्री राम।